आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मेट के बारे में जानकारियां देने वाले हैं। जो मनरेगा मेट की भर्तियां हो रही हैं उसी के बारे में काफ़ी कुछ आपको यहां पर बताएंगे, प्रूफ भी दिखाएंगे, पेपर की कुछ कटिंग्स भी आपको दिखाएंगे, यहां पर सारा कुछ डिटेल मिलेगा। तो अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं, मेट की जॉब करना चाहते हैं या रोजगार सेवक की जॉब करना चाहते हैं, तो वीडियो पर थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इसी वीडियो में रोजगार सेवक और मेट से संबंधित पूरी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, ठीक है। और मतलब कि फुल डिटेल है, तो वीडियो पर थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं मनरेगा मेट की नौकरी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम। 46,000 नए कर्मियों की तैनाती होगी। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर की कटिंग है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि मनरेगा के काम को व्यवस्थित करते हुए बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार से जोड़े रखने की मुहिम में जुटी है। इसके तहत 21,000 नए रोजगार सेवक की तैनाती का फैसला किया गया है, ठीक है। रोजगार सेवक की भी तैनाती का फैसला किया गया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण को बल देने के लिए 25,000 महिलाओं को मेट बनाने का खांचा भी खींचा जा चुका है। अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार के मुताबिक राज्य में 59,000 के सापेक्ष करीब 38,000 रोजगार सेवक तैनात हैं। शेष 21,000 रोजगार सेवक की तैनाती होने के बाद प्रदेश के सभी गांव में मनरेगा के काम तेज़ी से आएंगे और रोजगार सेवक की प्रतिमाह 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। यानी कि रोजगार सेवक को प्रतिमाह 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ग्राम सभा के जरिए रोजगार सेवक की तैनाती 1 साल के लिए की जाती है, और रोजगार सेवक की, ठीक है, 1 साल के लिए तैनाती की जाती है। ग्राम सभा को इनका कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार भी है, यानी कि ग्राम सभा इनका कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि नियमित काम दिलवाना रोजगार सेवक जिम्मे। रोजगार सेवक का मुख्य काम मनरेगा श्रमिक के परिवारों को जागरूक करना, उन्हें नियमित रूप से काम दिलवाना और मनरेगा के कामों की निगरानी करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लखनऊ की न्यूज़ है, ठीक है। ये देख लीजिए लखनऊ, और मनरेगा 1.5 लाख मेट नियुक्त होंगे। मनरेगा के कामों के प्रदेश में 1,05,000 मेट नियुक्त किए जाएंगे। उन्हें 320 रुपये रोजाना मिलेंगे। लॉकडाउन के बाद गांव लौटे प्रवासियों को रोजगार के लिए मनरेगा सबसे बड़ा जरिया है। चालू वित्तीय वर्ष में 26 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश में मनरेगा में 55 लाख श्रमिक प्रतिदिन काम कर रहे हैं। इनके प्रवेक्षण के लिए 1,05,000 मेट नियुक्त किए जाएंगे और 50% मेट की महिला स्वयं सहायता समूह में से होंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 1,05,000 मेट नियुक्त किए जाएंगे और इसमें से 50%, यानी कि 1,50,000 में से 50% महिलाएं होंगी, ठीक है, जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी। ओके, आगे देख लीजिए आप लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मनरेगा में 26,000 महिलाएं मेट बनेंगी, यानी कि 26,000 महिलाओं को मेट बनाया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, 1.5 लाख मेट की नियुक्ति होगी, जिसमें से 26,000 महिलाएं होंगी स्वयं सहायता समूह से संबंधित। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मनरेगा बड़ा रोल अदा कर जा रहा है। और मनरेगा में 26,000 महिलाएं मेट बनाई जाएंगी। इन मेटों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता मिलेगी। समूहों को की 14,000 महिलाओं को मेट बनाने के लिए पहली सूची मनरेगा को दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा के बजट से समूहों की महिलाओं के लिए सभी ग्राम पंचायतों में SHG सेट भी बनेंगे। इन सेट से महिलाएं आजीविका के लिए विभिन्न गतिविधियों को संचालित करेंगी। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन और मनरेगा ने संयुक्त रूप से इस दिशा में काम शुरू किया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक सुजीत कुमार के मुताबिक, मनरेगा के बजट से गांव में बनने वाले SHG सेट के निर्माण में भी समूहों की अग्रणी भूमिका होगी। सेट के निर्माण के बाद इसमें समूह की महिलाएँ मीटिंग करेंगी, आजीविका से जुड़े काम करेंगी, जैसे सिलाई मशीनों को रखकर सिलाई करने का काम, मोमबत्ती अगरबत्ती का निर्माण आदि इस सेट में महिलाएं करेंगी। यह सेट गांव में समूह की महिलाओं के लिए वर्कशॉप का काम करेगा। एक सेट के निर्माण की लागत करीब 6 से 7 लाख रुपए आएगी। सूची मनरेगा को दी सुजीत कुमार ने बताया कि समूह की महिलाओं में जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं और कुछ दिनों तक मनरेगा का काम कर चुकी हैं, उन्हें मनरेगा में मेट का काम दिया जाएगा। मेट के रूप में इन महिलाओं को कार्य प्रति कार्य दिवस काम के हिसाब से
कुशल श्रमिक की दर से करीब 315 रुपये मजदूरी मिलेगी। ऐसी 14,000 महिलाओं को मिट बनाने के लिए सूची मनरेगा को दी गई है। मनरेगा में करीब 26,000 महिलाएं मिट रखी जानी है। इस मिट की चयन में समूह से जुड़ी महिला को वरीयता दी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, बाकी यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और दिखाना चाहते हैं। ये सब पेपर की कटिंग्स हैं जो मुझे मिली हुई थी और मुझे लगा आप लोगों को दे देनी चाहिए, आप लोगों को जानकारियाँ। ये देखिए, बिजली बिल कनेक्शन का सभी जिलों में काम होगा। समूह की महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बिल कनेक्शन पायलट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में शुरू किया गया है। बहुत जल्द सभी 75 जिलों में यह काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी यूपी में। ऐसा होने पर 50,000 से अधिक महिलाएं इसके माध्यम से रोजगार से जुड़ सकती हैं। बिल बनाने तथा कनेक्शन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रति बिल कनेक्शन पर सदस्य को करीब 20 रुपये मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि चलिए मनरेगा से संबंधित कुछ जानकारियाँ यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको मेट बनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देख सकते हैं महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बाद और या नरेगा जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप से जाना नाम दिया गया है। इस भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए है, जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा सके। इसके वयस्क सदस्य स्वयं सेवक सकुशल कार्य कर सकें। लॉकडाउन के बाद प्रवासियों को रोजगार देने के लिए मनरेगा में 1,000 से अधिक मेट नियुक्त किए जाएंगे और सरकार मनरेगा में प्रवासी श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार देने पर जोर दे रही है। मनरेगा मेट भर्ती योजना को पूरी जानकारी दी गई है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, मनरेगा मेट भर्ती 2021 पद की जानकारी। मनरेगा मेट कुल पद इतने हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, और 61,120 और 25,000 पद महिला के हैं और 61,120 पुरुष के हैं शायद। और यहाँ पर देख सकते हैं मेट को 320 रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा, यानी 300 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा मेट को। और महिला मेट 7,200 रुपये मानदेय मिलेगा, रोजगार सेवक को 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा। मैंने यहाँ पर रोजगार सेवक के बारे में भी आपको कुछ बताया स्टार्टिंग में और उसके बाद मेट के बारे में बताया। और आगे देख लीजिए, ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक प्रवासी दूसरे प्रदेशों से आए हैं, जिसमें से 30,56,000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। इनमें से करीब 5.5 लाख प्रवासी श्रमिक हैं। बड़ी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व गांव और मंजरों में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नरेगा सीधी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। मनरेगा के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए हर श्रमिक पर हर मेट की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, और इन्हें 320 रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। इन पदों में 50% से ज़्यादा पद महिलाओं के लिए हैं, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार 50% मेट महिला स्वयं सहायता समूह से लेने का प्रावधान है। नियुक्त होने वाले 61,000 मेट में 30 यानी कि 30,500 से ज़्यादा पद महिलाओं के होंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेट से संबंधित बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मुझे लगा चलिए और वीडियो में बना देते हैं, आप लोगों को और भी जानकारियां दे देते हैं। और मेट के बारे में इसके अगले वीडियो में हम और भी कुछ आपको जानकारियां देने वाले हैं कि अगर जो लोग मेट की जॉब करना चाहते हैं, रोजगार सेवक की जॉब करना चाहते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, कैसे आवेदन करेंगे मेट की भर्ती में, तो सब कुछ डिटेल आपको मिलेगी। तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।